हेलो एंड वेलकम टू कोरल डे ट्यूटोरियल बिगिनर्स। दोस्तों, एक बार फिर आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। इंटरेस्टिंग क्या, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही यूजफुल है हर कोरल यूजर के लिए। ये नहीं कोई इलस्ट्रेशन करता है, कोई डिजाइनिंग करता है, कोई बिजनेस कार्ड बनाता है, कोई स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए बनाता है, तो सभी कोरल यूजर के लिए आज इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, सिंपल सी चीजें सीखनी है इसमें, लेकिन बहुत ही यूजफुल है। तो आज का वीडियो बहुत काम का होने वाला है सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्च करें गूगल या यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहां भी सर्च इंजन हो CDTFB, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी करें, अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। चलिए, जो नए वीडियोस आप देख ही रहे होंगे, शॉर्टकट के वीडियो बनाया था। चलिए, बहुत वक्त नहीं लूंगा, जल्दी से शुरू करेंगे आज की क्लास। ये है हमारा आज के लिए, मैंने तैयार करके रखा है थोड़ा सा स्टफ। ये आउटलाइन मैंने फिल बनाई है, कलर इसमें डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, और ये फिल प्लस आउटलाइन है। चलिए, यहां कुछ फिल के भी कर लेते हैं, सिर्फ इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। देखिए, ये इस तरह मैंने कॉपी किया सब, इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। इनमें सिर्फ फिल कलर कर लेते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं, इनकी फिल कर देते हैं कोई कलर यहां से, ऐसे ही आउटलाइन नन कर देते हैं, यहां से फिल कर लेंगे इसको, यहां से हम कर लेंगे, ये हो गया, इसको ये चेंज कर देते हैं। चलिए, खैर, ये इस तरह हमारा एक पेज बन गया। इसके अंदर हमें करना क्या है, कलर फिल करने की और आउटलाइन पे कलर अप्लाई करने की टेक्निक है सिर्फ ये, और भी एक चीज सिखाऊंगा। नहीं क्या मालूम हो सकता है शायद कुछ लोगों को भी, हमारे व्यूअर्स को। तो सबसे पहले तो हम एक चीज है सिंपल सी, जब हम कोई कलर इस तरह ड्रैग और ड्रॉप कर देते हैं तो कलर फिल हो जाता है। लेकिन इस तरह आप देखते होंगे कभी ड्रैग ड्रॉप करने से आउटलाइन फिल करेंगे तो आउटलाइन पर टारगेट, मैंने आउटलाइन इसलिए, ये देखिए सबसे पहले बता दूं, डॉटेड आउटलाइन इसलिए बनाई है ताकि जब मैं करके दिखाऊं तो आपको आइडिया हो, समझ पाए, अगर मैं एक ही कलर की आउटलाइन हो तो आप समझ पाए कि क्या है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होता है, मैं आउटलाइन पे फिल करना होता है, जैसे मजेंटा है, हम इसको ग्रीन करना चाहते हैं तो हमें पॉइंट करके आउटलाइन पे फिल करना होगा। देखिए, अब आउटलाइन का वो ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ आप ये देख सकते हैं, आउटलाइन का ऑप्शन दिखा रहा है, तो अब आउटलाइन फिल हो जाएगी। तो इसलिए हमें बहुत पॉइंट करके अप्लाई करना पड़ता है जब फिल होती है, अदरवाइज हम ड्रैग करके डालते हैं तो फिल में जाता है। ठीक है, तो इसका एक तरीका यह है, शिफ्ट से हम ड्रैग कर भी फिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो मैं जूम कर रहा हूं, अगर ऑल्ट कीबोर्ड से प्रेस कर लेंगे और फिर ड्रैग कर कहीं भी छोड़ देंगे तो आउटलाइन पर जाएगा। देखिए, येलो फिल कर रहा हूं मैं, आउटलाइन इसलिए डाल दी मैंने, ग्रीन पर ग्रीन दिखाता हूं, ऑल्ट प्रेस किया हुआ मैंने, आउटलाइन दिखा रहा है सिंपल। ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें आप, कलर को ड्रॉप करें। देखिए, मेरा ये ऑब्जेक्ट ब्लू वाला सिलेक्ट नहीं है, मैं सिंपल ब्लू पर ड्रैग करूंगा, ड्रॉप करूंगा, खत्म। सिर्फ ऑल्ट प्रेस रखना है हमें ड्रैग करते टाइम, सिर्फ इतना याद रखना है। देखिए, कोई भी कलर ड्रॉप ड्रैप करूंगा, देखिए सिलेक्ट मेरा ये वाला है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट पे मैं ड्रैग कर ड्रॉप कर रहा हूं उसका कलर चेंज हो रहा है। देखिए, ये देखिए, ग्रीन को मैं ऑरेंज कर रहा हूं ऑल्ट के साथ, यही मैं सिंपल शिफ्ट के साथ करूंगा तो आप अप्लाई हो जाएगा ऐसे ही। देखिए, ऑल्ट के साथ करूंगा, आउटलाइन चेंज हो जाएगी। तो ये एक सिंपल तरीका है, ऑल्ट और डायरेक्ट आप फिल कर देंगे तो कोई परेशानी नहीं। ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो या ना हो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ऑल्ट प्रेस करना है और ड्रैग करना है। देखिए, ऑल्ट प्रेस किया और ट्रैक किया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मान लीजिए बहुत सारी जगह हमें ऑब्जेक्ट के और कलर सेम करने की जरूरत होती है। सपोज कीजिए ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हमें दोनों का कलर चेंज करना है एक साथ, हमें सिलेक्ट करेंगे इस तरह, ग्रीन फिल करेंगे, फिर आउटलाइन ग्रीन करेंगे तो टाइम लगता है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर रहा हूं, ये दोनों डिफरेंट कलर है, मुझे शिफ्ट और ऑल्ट दोनों एक साथ प्रेस करूंगा और ग्रीन ड्रॉप कर दूंगा, सिंपल दोनों एक साथ चेंज हो जाएंगे। देखा आपने कितना सिंपल है, देखिए दोनों कलर डिफरेंट है, मैं यहां इसमें ऑरेंज फिल करता हूं शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करूंगा,
और मैं ड्रैग करके छोड़ दूंगा, सिंपल। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। शिफ्ट हमारा फिल के लिए काम करता है और ऑल्ट हमारा आउटलाइन के लिए, जब हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं कलर। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक साथ दबा लेंगे तो दोनों ही कलर एक साथ चेंज हो जाएंगे। देखिए दोनों एक साथ दबाए मैंने, ये ड्रॉप किया मैंने ड्रैग करके, हो गया कलर चेंज। तो किसी भी तरह का, और ये जब सपोज कीजिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक के ऊपर एक ही इस तरह कहीं, और हमें सिलेक्ट करने में बहुत बार परेशानी आती है, आउटलाइन होती है, ये मान लीजिए इस तरह आउटलाइन है और हमें किसी पार्टिकुलर को फिल भी करना है और ये चेंज भी करना है, तो हम यहाँ से सिंपल दोनों कलर प्रेस करेंगे और ये चेंज, हम ड्रैग करेंगे कलर चेंज, आउटलाइन करनी है आउटलाइन चेंज, तो ऐसे जल्दी से हम आसानी से कर सकते हैं। हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट पर पॉइंट कीजिए और ड्रॉप कीजिए जल्दी से। तो उम्मीद है ये चीज समझ आई होगी। अब मान लीजिए, चलिए मैं एक चीज और दिखाता हूँ, इसी से बनाकर दिखाता हूँ, ये साइड में रख देते हैं और इसकी कॉपी ले लेते हैं। अब ये सपोज कीजिए ये सब ऑब्जेक्ट्स इस तरह हैं, कॉम्प्लेक्स हुए हैं, एक के ऊपर एक हैं ये, अब हमें ये वाली स्ट्रिप सिलेक्ट करनी है। तो हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, परेशानी होगी, मैं आईडी से करना पड़ेगा कि कहां तक है। हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम ऑल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और सिंपल हल्के से कॉर्नर पे ड्रैग कर देंगे। ये देखिए सिलेक्ट हो गए, सिर्फ हमने पिक टूल लिया हुआ है, ऑल्ट के साथ हमें ड्रैग करना है, जहां भी सिलेक्ट करना है ऑल्ट के साथ हम ड्रैग करेंगे, ये सिलेक्ट हो गए। ये देखिए हम ऑल्ट के साथ इस पर ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गए, ऑल्ट के साथ इस पर ड्रैग करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएंगे, देख रहे हैं आप। तो मतलब ये है कि पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना कर अगर हम सिर्फ थोड़े से छोटे से पोर्शन पे क्लिक करेंगे ऑल्ट के साथ तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, हल्के से कॉर्नर पे भी क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जब होते हैं तब जरूरत पड़ती है इसकी। अब जैसे हमें ये वाला ब्लू और ये वाला ऑरेंज सिलेक्ट करना है तो हमें सिर्फ हल्की सी यहाँ एक पतला सा इस तरह ड्रैग करना है और ये दोनों हो गए सिलेक्ट। ये देखिए उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फिर से मैं आपको कॉम्प्लेक्स और कर दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये मान लीजिए इस तरह से कुछ है, अब हमें इसमें से कुछ क्या सिलेक्ट करना है, सपोज कीजिए हमें ये ऑरेंज और ये ब्लू सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ हल्के से ये ड्रैग कर सिलेक्ट कर लेंगे, इसके साथ और सिलेक्ट करना चाहते हैं शिफ्ट कर लेंगे। ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट ना करके इस तरह करते हैं हम, शिफ्ट के साथ करते हैं, ऐसे ना करके हम सिंपल ऐसे ड्रैग करेंगे और होगा सिलेक्ट। तो ये है आज की क्लास, सिंपल इजी यूजफुल। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, ये सिर्फ एक छोटी सी टिप थी, क्लास भी नहीं थी, बहुत यूजफुल टिप थी जो कोरल ड्रॉ के हर डिजाइनर के हर किसी यूजर के काम आने वाली हैं। तो कैसी लगी आज की ये टिप्स बताइएगा, ये ट्रिक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल के वीडियोज को शेयर कीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी लाते रहें आपके लिए ऐसे छोटे छोटे वीडियो, यूजफुल वीडियो जो आपके लिए बहुत काम के होंगे। Thank you for watching Corel Tutorials for Beginners. Thank you for being a part of CGTFB family.